So in today's video, we'll take up our next topic of GST, that is GST network. Popularly known as GSTN, Goods and Services Tax Network. So GSTN is basically a common network or a platform जो सारी rules, policies, slab rates, सारी GST से जो भी related चीजें हैं उनको जोड़ के रखता है। वो network ऐसा है जहां पर सारे taxpayers अपना account बना सकते हैं, tax को pay कर सकते हैं, अपना tax ascertain कर सकते हैं, सारी information ले सकते हैं अगर उनको GST से कुछ भी चाहिए, GST के बारे में कुछ जाना है। तो ये एक common network है for all. So it's a common network for all. GSTN में अगर हम बात करें तो एक common portal दिया हुआ है, शायद आप कईयों को पता हो common portal, that is www.gst.gov.in. So it's basically government ने एक यहाँ पर एक common portal दिया है जहाँ पर सारी चीजें आप कर सकते हैं, सारे टैक्स पेयर्स जो हैं वो आ सकते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं सब सारी चीजें आप इस कॉमन पोर्टल में जाकर जान सकते हैं। और ये मैनेज करता है जीएसटीएन, सो इट इज मैनेज्ड बाय जीएसटीएन, राइट। ये जो नेटवर्क है ये रजिस्टर्ड है, मतलब आप कह सकते हो इसको एज अ प्राइवेट कंपनी हम ट्रीट करते हैं, और ये रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ओके, जीएसटीन के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो जीएसटीन क्या प्रोवाइड करता है हमको, ये नेटवर्क क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है हमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चीजें प्रोवाइड करता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है हमको, हमको जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो प्रोवाइड करता है सर्विसेस टू टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स बेसिकली कोई भी हो सकता है जो टैक्स पे कर रहे हैं, कंपनीज हो सकती हैं, कोई ऐसा हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई जीएसटी एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई टैक्स पेयर्स को जो समझाते हैं, सीएसीएस के कोई भी लोग जो टैक्सेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो टैक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनको हम स्टेक होल्डर्स में डाल रहे हैं, सारी कैटेगरीज को हम स्टेक होल्डर्स में डाल रहे हैं। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये कॉमन नेटवर्क। यहाँ पर अगर हम बात करें जीएसटीएन के नेटवर्क की, जो जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है टैक्स पेयर्स को, उसमें थ्री मेन सर्विसेज हैं जो वो टैक्स पेयर को प्रोवाइड कर, थ्री मेन सर्विसेज टैक्स पेयर को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, अगर आपको रजिस्टर कराना है एज अ टैक्स पेयर, आप टैक्स पे करना चाहते हैं तो वो रजिस्टर प्रोवाइड करते हैं, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। सेकेंड चीज यहाँ पर है पेमेंट अंडर जीएसटी, अगर आपका कोई भी पेमेंट बनता है एज अ टैक्स पेयर अंडर जीएसटी तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जीएसटीएन। और तीसरी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है वो करता है जो आपके जीएसटी रिटर्न्स हैं, कई बार उनको सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करना होता है, तो ये वाली सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है, फॉरवर्डिंग जीएसटी रिटर्न्स टू सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज। ओके, ये मेन सर्विसेज हैं जो टैक्स पेयर की। अदर सर्विसेज के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अदर सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है ये। अदर सर्विसेज में ये प्रोवाइड करता है कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में अगर उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, उसको कैसे निकाला जाएगा और उसकी सेटलमेंट कैसे करनी है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये जनरेट कर, क्या जनरेट कर, आपको मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करवाकर देता है। उसके बाद आपके डिटेल्स जो हैं उसको मैच करता है, डिटेल्स को किससे मैच करता है, ये बेसिकली आपके जो टैक्स पेमेंट आप जो कर रहे हैं उसमें सारी डिटेल्स होती है, आपकी टैक्स पेयर हो आप उसकी सारी डिटेल्स होंगी, उसको आपको कंपेयर करेगा, किसके साथ कंपेयर करेगा, आपके बैंकिंग नेटवर्क के साथ कि क्या आपकी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। सो बैंकिंग नेटवर्क और जो आपके टैक्स पेमेंट में डिटेल्स हैं उनको कंपेयर करके उनको डिटेल्स को मैच करेगा। उसके बाद ये आपको सर्विसेज देगा एनालिसिस की, किस चीज का एनालिसिस होता है, बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल है टैक्स पेयर की, जो प्रोफाइल है उसको एनालिसिस करवाता है जीएसटीएन। और ऐसी ही बहुत सारी सर्विसेज
जीएसटीएन ये नेटवर्क हमें प्रोवाइड करवाता है काफी सारे लोगों को, नॉट ओनली टैक्स पेयर बट वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल. नाउ देर आर टू थिंग्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस टर्म जीएसपी. सो इट्स बेसिकली वॉट जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स. जीएसपी प्रोवाइड करता है लिंकेज बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो टैक्स पेयर्स हो, टैक्स प्रोफेशनल्स हो, ऑफिशियल्स हो, बैंक हो, तो ये लिंकेज प्रोवाइड करता है उन सबका. ठीक है, ये लिंकेज जो प्रोवाइड करता है नेटवर्क, उसको इस लिंकेज को कौन संभालता है? जीएसपीएन. उस लिंकेज को संभालना, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देना, सॉफ्टवेयर देना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये सारी सुविधा जो देता है वो जीएसपीएन देता है. ठीक है, तो नेटवर्क में जितनी भी सारे लिंकेजेस हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, टैक्स पेयर्स हो, अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सारे स्टेक होल्डर्स का जो लिंकेज नेटवर्क बनाता है उसको प्रोवाइड करता है सर्विसेज, उसको प्रोवाइड करता है आप कह लीजिए सॉफ्टवेयर, वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो जीएसपी से प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, तो यहां पर हम जीएसपी को लिख सकते हैं दैट इट प्रोवाइड्स वेरियस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. तो ये सारी चीजें जीएसपीएस को प्रोवाइड करता है इस नेटवर्क को. ठीक है, तो अपॉइंट करा है नेटवर्क ने जीएसपीएस को. जीएसपीएस के अंडर एक चीज आती है, क्या चीज आती है, यानी कि जीएसपी और इस लिंकेज जो ये टैक्स पेयर्स का जो लिंक है, टैक्स पेयर्स और जीएसपीएस का जो लिंक है, इस लिंकेज को मैनेज करना किसका काम है? वो है एएसपीएस का. एएसपीएस क्या है? एएसपीएस होते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर. ये प्रोवाइडर्स जो हैं, ये अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है इनको? जीएसपीएस. तो जीएसपीएस अपॉइंट करते हैं ताकि उनके और टैक्स पेयर के बीच में लिंक बना रहे. ये सारी चीजें संभालने का काम एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स का होता है. सो ये है हमारा जीएसटीएन. आई होप आपको जीएसटीएन का कंसेप्ट समझ आया हो. अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं. और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.